हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं आज इकोनॉमिक्स बीए सेकेंड ईयर टॉपिक रहेगा व्यापार चक्रों की अवस्थाएं। इस टॉपिक में देखेंगे व्यापार चक्र। इससे पहले मैं एक बात पूछ लेता हूँ, आप लोग सब अपने परिवार के साथ साथ बड़ी खुशहाल माहौल में रहते होंगे, स्वस्थ हैं, काफी अच्छे तरीके से रहें, यही मैं आशा करता हूँ। इस आशा की उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए व्यापार चक्रों की अवस्थाओं को देखते हैं, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तभी पढ़ाई मन लगेगा, माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा इस तरीके से, तो स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। हेल्थ इज वेल्थ देखते हैं। तो व्यापार चक्रों की अवस्थाएं, व्यापार चक्र कैसे हमारे पास जो व्यापार चलाए जाते हैं उसमें कैसे में प्रॉफिट होता है, कैसे में लाभ होता है, चीज को समझने के लिए हम इस टॉपिक में देखें क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, कैसे कैसे व्यापार चक्र आगे की ओर बढ़ता है। तो प्रोफेसर हैं जो वेल्डिंग ने बताए हैं कि पांच प्रकार के होती ही अवस्थाएं। राइटर्स हैं बिल्डिंग्स ने बताए हैं, पहला आता है अवसाद, दूसरा आता है पुनरुद्धार, तीसरा आता है पूर्ण रोजगार, व्यवस्थाएं दी गई हैं पूर्ण रोजगार। नंबर चार आता है अभिवृद्धि, नंबर पांच आता है अवरोध। इनके अनुसार काफी लोगों ने और ही मत दिए हैं, लेकिन जो बेल्डिंग ने दिए हैं, बेल्डिंग के मत काफी अच्छे प्रतीत हो रहे हैं बोल्डिंग के, बोल्डिंग के मत है। तो उन्होंने बताया है कि व्यापार चक्रों की अवस्थाएं वो कैसी हैं, अवसाद, पुनरुद्धार, पूर्ण रोजगार, अभिवृद्धि और अवरोध। इस तरीके से ग्राफ को हम देखेंगे, आगे की ओर बढ़ेगा, इस ग्राफ से पता चलेगा कि कहां कहां तक कितना कितना ग्राफ आगे की ओर बढ़ता जाता है। चलिए मैं देखते हैं यहां से, पता चलेगा इससे पहले समझ लेते हैं कैसे ग्राफ आगे की ओर बढ़ता जाता है। ये वाई अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया, वो बिंदु हो गया, आर्थिक क्रियाओं का स्तर है, यहां पर लिख देते हैं आर्थिक क्रियाओं का स्तर, यहां पर आता है समय अवधि, यहां से एक जो रेखा खींची जाती है ये है अपनी पूर्ण रोजगार, क्या है ये है पूर्ण रोजगार की रेखा। इस पर जिस जिसके जो पॉइंट बनेंगे सुन लो, वहां पर पूर्ण रोजगार का बिंदु ही माना जाता। तो नंबर ए बिंदु से हम यहां से स्टार्ट करते हैं, अपनी रेखा चलेगी व्यापार चक्र की अवस्था के रूप में आगे और बढ़ती है। तो यहां से उठती है रेखा, इस बिंदु पर चलती है, इस बिंदु को बी मानते हैं, यहां पर रखते हैं पुनरुद्धार,
पुनरुद्धार, मतलब कि यहाँ से पुनर्द मतलब कि कह सकते हैं कि रिकवरी, रिकवरी मतलब कि आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से इस पॉइंट को सी बिंदु माना। सी बिंदु यहां पर क्या है, पीक पॉइंट है वो, मैं इसको मतलब कुछ शिखर बिंदु कह सकते हैं। शिखर बिंदु ये काफी हाई लेवल पहुंचता है, उच्च बिंदु पर पहुंचना जाता है, वहां से आता है डी बिंदु, इसको क्या बोलते हैं अवसाद, अवरोध बोल देते हैं, मतलब कि यहाँ पर चीजें रुकी हुई है, आगे की ओर नहीं बढ़ पा रहा, मतलब कि अवरोध हो गया है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये बिंदु है, बिंदु डी है वो क्या है, पूर्ण रोजगार है। क्या है, क्योंकि जो रेखा रेखा पर आते हैं बिंदु बी भी क्या है अपन का, पूर्ण रोजगार का, जो रेखा पे बिंदु आएगा अपन का वो कैसे अपन के पूर्ण मतलब रोजगार को हम दे सकते हैं। अब यहाँ से ग्राफ को नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ आएगा तो डिप्रेशन में जाएगा अपन का ग्राफ, डिप्रेशन में जाएगा, इस तरीके से आगे की ओर बढ़ जाता है। डी के बाद बिंदु एफ आता है, ई आता है, ई बिंदु कैसा है अपन का है अधो है, मतलब कि अधो मतलब होता है कि नीचे बिल्कुल रुका हुआ, अधो बिंदु मतलब अधो, ई बिंदु कैसा है अपन का बिल्कुल रुका हुआ बिंदु है, यहाँ पर चीजें अपनी अर्थव्यवस्था क्या होगी है नीचे की ओर झुक चुकी है, देखो पास में आ चुकी है वायस के समथिंग में। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बिंदु एफ पूर्ण रोजगार का बिंदु है, मतलब कि यहाँ तक बढ़ चुके हैं अपन की ओर।